वजीर माहौलियात ने बताया है कि मुल्क में मानसून बारिशों से सतत तरंबात हुए। वफाकी वजीर माहौलियाती तब्दीली श्री रहमान ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस वक्त मुल्क मानसून और प्री मानसून की लपेट में है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर हो रहा है, ये इवेंट माहौलियाती तब्दीली की वजह से हो रहे हैं। इन्होंने बताया कि मानसून का पहला स्पेल 28 जून को शुरू हुआ, इस बार 87% ज्यादा बारिश हुई है। बर्फ हटने के 16 ग्लाफ इवेंट्स हुए, वरना नॉर्मल हालत में 5 ग्लाफ इवेंट्स होते हैं। दूसरे ममालिक के ग्रीन हाउस गैसेस के असरात पाकिस्तान में रोनमा हो रहे हैं। पाकिस्तान को GDP के 9.2% नुकसान हो रहा है। मुल्क में तवील और मुद्दती मनसूबा बंदी की जरूरत है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कहा है कि नैब के अफसरान को अपने एहसासों की तफसीलात तो देना पड़ेंगी। PAC इजलास की सदारत करते हुए चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा कि एक महकमा ने कहा कल ईद है इसलिए नहीं आ सकते, जबकि ईद तो 10 जुलाई को है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि यह महकमा नैब होगा, जिस पर नूर आलम खान ने कहा कि जी नैब ही है। इन्होंने नैब अफसर को हदायत करते हुए कहा कि चेयरमैन नैब को बताएं कि कल कमेटी में आए नैब अफसरान को अपने एहसासों की तफसीलात तो देना पड़ेगी। वीजे ताखीर से जारी होने वाले आजमीन हज के लिए सऊदी हुकूमत ने आमद की औकात में तौसी कर दी। सऊदी सिविल एविएशन गाका ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके तहत आजमीन हज को जुमेरात 7 जुलाई रात 12 बजे तक दाखिले की इजाजत होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक हज वीजे साल 2022 के लिए गैर मामूली तब्दीली की जा रही है। आजमीन को किंग अब्दुल अजीज बैन अल अक्वामी हवाई अड्डे के जरिए मुल्क में दाखिले की इजाजत होगी।